रखने विनती है इतना टाइम मत लिया करो, अपना सुझाव दे दो ताकि फैसला पहुंचे, क्योंकि बहुत दूर दूर के आदमी आ रहे हैं हमारे बीच में। कादन खाप के प्रधान भाई बिल्लू कादन आए और अपने सुझाव दे। मानव सम्मान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष और भाई जितनी समस्त सरदारी हरियाणा खापों के सरदार आए हुए हैं, चौधरी आ रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। और युद्धवीर जी, धनखड़ खाप को हमने पहले भी कह दिया, जो धनखड़ खाप फैसला लेगी कादर खाप उसके साथ खड़ी है। और हमारे प्रवक्ता ने बता दिया, हमारे खाप के कई भाइयों ने बता दिया, आप रात न आदेश करोगे कादर खाप रात ने पाओगी खड़ी, दिन में कहोगे दिन में, हमारी खाप आपके साथ है। सब भाइयों का धन्यवाद। आज के इस महापंचायत के सभापति जी, सभी खापों के प्रधान प्रतिनिधि, सभी संगठनों के प्रधान और सभी पंचायती योद्धाओं को मैं अपनी तरफ से राम राम करता हूं। बुजुर्गों, इस सरकार की फितरत बन चुकी है, आपने पहले भी देखा है यूपी के उन्नाव में उसी बच्ची के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या, फिर आथरस के अंदर एक वाल्मीकियों की लड़की के साथ बलात्कार, मेडिकल तक नहीं होने दिया, कंधावला के अंदर भी एक मनोज मित्तल नाम का वो नेता जी थे, इस कांड में भी शामिल है, उसको बता दिया गया, बाकी छह ऊपर जो है 302 की धारा लगा दी। तो इस सरकार ने तो एक असूल बना लिया, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो उल्ट चल रहा है सारा इस सरकार में। तो बेटी, ये अगर ये ही कारिस्तानी बेटी बचाने की है तो अगली कारिस्तानी इनकी क्या होगी इन लोगों की। आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी एसआईटी जो है किसी मंत्री के खिलाफ जांच ठीक ढंग से नहीं कर सकता, प्रेशर होता है प्रशासन पर। और देखो कितनी चालाकी कर रहे हैं, मंत्री की विभाग हटा दिया, मंत्री जो का त्यों, क्योंकि उसके अंदर एक रास्ता रखा है इन्हें कि मंत्री के खिलाफ राज्यपाल से जब तक परमिशन नहीं आएगी जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता, राज्यपाल की मंजूरी लेनी जरूरत। तो विभाग खोज लिया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, नेम पर खेल विभाग की प्लेट भी हटा दी है, लेकिन जांच उसी तरह एसआईटी चल रही है। तो बुजुर्गों साथियों, इस सरकार ने तो हमारी खराब माटी कर्म को कसर छोड़ नहीं रखी है, हर जगह किसी मामले में भी चले जाओ आप। मैं और इस लड़की के साहस को मैं दाद देता हूँ कि पता नहीं पहले भी कितनी बच्चियों के साथ कुछ हुआ होगा, इसने हिम्मत की है, आगे होने वाली दुर्घटनाओं से इसने बचाया है। अगर समाज पहले जो इन्होंने कार्रवाई करी है जो खबरों में आई थी, अगर उस टाइम पर भी समाज संज्ञान ले लेता तो आगे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो लेकिन नहीं हुआ तो ये आगे सिलसिला चल रहा था। अब इस बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और आप लोगों का सहयोग मांगा है, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पर अमल किया है और आप इस पर एकजुट हैं। हाँ, एक बात और जरूर कहना चाहूँगा मैं कि एक तो जो भी आज ये प्रस्ताव पास हो, हमने राज्यपाल के पास किसी माध्यम से भी, डीसी के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से इसकी कॉपी भेजनी चाहिए। उसके अलावा हमारे कादन खाप पहले भी हर मामले में कभी भी समाज से पीछे नहीं हटी है, आगे भी मैं आश्वासन देता हूँ अपनी खाप की तरफ से, जो भी समाज फैसला लेगा हम उसके लिए रात को भी आह्वान करोगे तो रात को भी आपके पास पहुँचेंगे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमारी खाप पूरी तरह तैयार रहेगी। धन्यवाद। जय।